कि मेरी जिंदगी की जितनी भी टेंशन है रात के 12-1 बजे मेरे को क्यों याद आती हैं। मतलब आज टेक्निकली 9 जनवरी हो चुका, अभी मैं रात के 12 बजे उठा, 12:30 बजे उठा, टेंशन होगी, हाय एग्जाम, हाय एग्जाम, हाय एग्जाम। सुबह 6:30 बजे उठा, टेंशन होगी। वाली लाइट किसने ऑन छोड़ दी पता नहीं भाई। एक तो साला ये चीज नहीं समझ में आती मेरे को कि मेरी जिंदगी की जितनी भी टेंशन है रात के 12-1 बजे मेरे को क्यों याद आती हैं। मतलब आज टेक्निकली 9 जनवरी हो चुकी है एंड डेजिग्नेटेड डे पे ब्लॉग शुरू हो रहा है, बस रात के 12:30 बजे शुरू हो रहा है। एंड मैंने ना अचानक से, मेरे को आजकल एक नया शौक चढ़ा है चेस खेलने का। वैसे तो मेरे को चेस आती थी बट वो परफेक्शन नहीं आती जेडी अब मैं बना रहा हूँ। एंड रोज रात को 1-1.5 घंटा मैं अपने फ़ोन पे चेस खेलता हूँ, डॉक्टर वुल्फी नाम है मेरे हिसाब से उस बंदे का, उससे एडवाइस लेता हूँ। एंड भाई मैंने ना टाइम और डेट चेक करा, साथ में मैंने अपना नोट्स का ऐप खोला जिसमें थी मेरी डेट शीट। मेरी फटके हाथ में आ गई कि यार एग्जाम शुरू है, परसों से एग्जाम शुरू है, परसों से एग्जाम शुरू है एंड रात के 12:30 बजे मेरे को टेंशन होगी। अभी मेरा मन ये कर रहा है कि मैं पढ़ने बैठा अंदर जाके, बट यार 12:30 बजे कौन पढ़ाई करता है। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज्यादा बढ़िया। एक तो हम घर से निकलते बाद में एंड ये हमारे घर के सामने पहले आते हैं। हाँ जी, डरो मत, बाइक के नीचे आ जाओगे फिर दर्द होएगा, यहीं खड़े रहो, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम सिर्फ तुमको वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो मतलब सही में यार, बस मैं अपने चेहरे पे हंसी दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, लेकिन जो मेरे एग्जाम्स ने एंजाइटी बढ़ा रखा है ना, कुछ है फाइनल एग्जाम। वह तो द राइट नाउ टेम्परेचर इज अराउंड 11 डिग्री सेल्सियस, सो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही, ना इतनी धुंध हो रही है 12 बजे के हिसाब से, बट फिर भी हो रही है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो चुपचाप अंदर जाऊँ, अंदर जाके सो जाऊँ ऐसी की तैसी पढ़ाई की, ऐसी की तैसी किसी चीज़ की। दूसरा, अभी कॉफ़ी बनाऊँ, मैं घर तो कॉफ़ी बनाऊँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, घर वाले सारे उठ जाएंगे। तीसरा, 24/7 चल के कॉफ़ी पीते हैं। अब भाई देख लो, ना ही मेरे पास अभी पैसे हैं, क्योंकि पैसे पॉकेट मनी तो खैर अपने को अभी तक मिली नहीं, क्योंकि मैंने खुद ही कहा था कि मेरे को इस बार बर्थडे पे पॉकेट मनी दे देना। जीपे है लेकिन ठीक है, आराम से चुपचाप घर ही बैठते हैं, क्या करना इतनी ठंड में जाके। तो चलो अभी तो देखते हैं, अगर रात को नींद आ जाती है तो सोने चलेंगे, तुम लोगों को सुबह ही मिलते हैं। कोई देख के कह सकता है अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं? मतलब भाई सामने वालों का घर क्लियरली नहीं दिख रहा, इतनी ज़्यादा धुंध हो रखी है। एंड ये जो नीचे ज़मीन पे पानी पानी हो रखा है ना, ये ओस है, मतलब ये बारिश नहीं है, ओस है। एंड मेरे को तो लग रहा है मैंने बाहर आके गलती कर दी, मतलब अभी अभी मेरी नींद खुली एंड घर वालों ने बताया ऐसे ऐसे बाहर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है, बहुत धुआं निकल रहा है। एंड अभी देवी का भी डिसाइड, मतलब मेरी बहन भी डिसाइड कर रही है भी उसने कॉलेज जाना है या नहीं जाना, पर नहीं भाई मेरे को तो बाहर बड़ी ठंड लग रही है, अंदर ही चल लो आराम से, कोई फायदा नहीं। अभी तो खैर उठने का तो कोई फायदा है नहीं, तो थोड़ी देर और सोते, जब जानना होगा ना तभी उठेंगे आराम से। यार यही तो दिक्कत है मेरे साथ, अभी मैं रात के 12 बजे उठा, 12:30 बजे उठा, टेंशन होगी, हाय एग्जाम, हाय एग्जाम, हाय एग्जाम। सुबह 6:30 बजे उठा, टेंशन होगी, हाय एग्जाम, हाय एग्जाम, हाय एग्जाम। अभी जब 9 बजे नहा धो के मैं पढ़ने बैठा, कोई टेंशन ही नहीं, मैं ऐसी की तैसी देखी जाएगी एग्जाम्स की। ये ओवर कॉन्फिडेंस ना किस दिन मरवाएगा मेरे को, बट चलो कोई ना, इनी विच वेज अभी तो जैसे कि मैं तुम लोगों को बताया, इट्स ऑलमोस्ट 9 in the morning एंड अभी जो आप लोग नहा धो के एकदम बढ़िया तरीके से तैयार तो हो लिए, बस चप्पलें चेंज करनी रहती हैं। एंड अभी का सीन कुछ इस प्रकार है, अभी थोड़ी देर में हमारे घर पे आ रहे हैं मेहमान यानी कि गेस्ट, एंड शायद से फिर उनके साथ मेरे को हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा, पर नहीं यार मेरी आइटनरी का मेरे को खुद नहीं आइडिया, बट थोड़ी सी टेक्निकली थोड़ी सी बिजी आइटनरी हो चुकी है अभी मेरी, सो अभी तो अपन लोग कुछ नहीं कर सकते, आराम से इंतजार करते, क्योंकि जब वो आएंगे तभी अपने को पता लगेगा कि मेरे को उनके साथ हॉस्पिटल जाना है और नहीं जाना है। लेकिन 9 बजे के हिसाब से अगर तुम लोग देखोगे दोनों ठीक ठाक हो रही है यार, सही 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 सही, बढ़िया है बढ़िया है।
अभी तक तो बढ़िया, जब गाड़ी चलाने की या स्कूटर चलाने की बात होगी तो घटिया है, घटिया है, घटिया है। सो आज सुबह सुबह 9:30 बजे यानी कि इतनी जल्दी अपन लोगों का ब्रेकफास्ट भी हमारे सामने आ चुका है, जिसमें है गर्मा गर्म आलू के परांठे और साथ में ठंडी ठंडी दही। वैसे तो लेने का प्लान बटर भी था, बट क्या ही फायदा बटर खाने का, बटर खा के फिर सुस्ती चढ़ती है, ये खा के सुस्ती नहीं चढ़ती, इसके साथ जब बटर ऐड कर दोगे ना तो सुस्ती चढ़ेगी। ओहो भाई 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 भाई, ये तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ठंड भी बढ़ती जा रही है, पता नहीं जेड़े 3 परांठे खाए थे पेट के कहाँ किस कोने में बढ़ गए, बट भाई दोबारा से भूख लगाई मेरे को आधे घंटे के अंदर अंदर ही। बट चलो कोई नहीं, बीच में सभी जगह अपन लोगों ने अपना ये छोटा सा बैकपैक तैयार कर लिया, हेलमेट ले लिया, ग्लव्स वगैरह टोपी वगैरह डाल के एकदम बड़े तरीके से तैयार हो लिया। अभी का तो सीन कुछ इस प्रकार है, अभी जो हमारे मेहमान हैं उनको आने में थोड़ा सा टाइम है एंड मेरे को उनको एक स्पेसिफिक जगह पे मिलना है, जगह मेरे को पता है बट जगह का नाम नहीं पता, जो वहां पे पहुंच के दिखाऊंगा। बट उससे पहले अभी मैं और पापा जा रहे हैं मार्केट, मार्केट के 2-3 छोटे मोटे टिटकू पिटकू से काम निपटाने के लिए, फिर वहीं से वहीं पापा मेरे को वहीं पे ड्रॉप कर देंगे जहां पर लोगों ने जाना। वैसे तो हिमाचल एक्सप्रेस वे पे है तो फटाफट चलते हैं, चल के पहले मार्केट के काम निपटाते हैं फिर आराम से अपन लोग हॉस्पिटल के काम निपटाएंगे। हॉस्पिटल जाना है, भूल जाते हैं ना आजकल, थोड़ा सा कंफ्यूज है क्या कर सकते हैं। एक तो साला स्कूटर को सर्दियों में जो बीमारी चढ़ती है ना भाई, ये इतना ज्यादा इरिटेट करती है ना, इतना ज्यादा कहने की हद नहीं। मतलब अभी वहां पे उस छोटे चौक पे अपना स्कूटर बंद हो गया, पता नहीं क्यों आउट ऑफ नोवेयर बस ऐसे ही बंद हो गया, फिर कितने मारियो स्टार्ट करा बट एडेंस स्टार्ट हो गया, कोई ना गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। ओ, ओ भाई कितने पास से बस गई। तो चलो कोई ना, अभी हम लोग मार्केट भी पहुंच चुके हैं, फटाफट यहाँ के सारे काम निपटाते हैं। अभी जो है अपन लोगों का मार्केट का काम तो एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुका है एंड देखते पर्सनली मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि दूध जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, या तो देखो कभी बढ़ रही है कभी घट रही है चल रही है, आई हैव नो आइडिया, बट मेरे को पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि बढ़ रही है दूध एंड जो ठंडा लग रही है। और तो खैर जहां पर लोगों ने पहुंचना है, मतलब जहां मैंने अपने रिलेटिव से मिलना है वो जगह ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से यहां से होगी 5-6 किलोमीटर, फोन भी इधर रख लो कभी ना हो आवाज तुम लोग सुनाई ना दे, जहाँ पर लोगों ने पहुंचना मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर है, वहीं से सीधा सीधा अपन लोगों ने जाना है अल्केमिस्ट हॉस्पिटल, जनरली अपन लोगों का वही चक्कर लगता है एंड वहाँ पे अपन लोगों ने टेस्ट वगैरह कराने एंड चेकअप वगैरह कराने, फिर उसके बाद वापस घर आएंगे। सो अभी तो पहले अपन लोग उनसे चौंक पे मिलते हैं फिर उसके बाद देखते हैं आगे का फॉलोअप क्या क्या होता है। ये देखो इसी चौंक की मैं बात कर रहा था, अब इसका नाम तो नहीं पता मेरे को बट हमारे रिश्तेदारों ने उधर वाली साइड मिलना है, मतलब उन्होंने यहाँ से आना है तो डाइट क्रॉस करके उधर को मिलना है। अभी तो खैर मेरे हिसाब से मैं ज़्यादा कुछ खास ब्लॉग कर नहीं पाऊंगा तो फटाफट चलते हैं, चल के रोड क्रॉस करें क्योंकि अभी तो लाल लाइट हो रखी है, अपने लिए क्रॉस करनी आसान होगी, बाद में जब हरी हो जाएगी फिर उतना ही औखा होगा। बंदे ने लाल लाइट पर निकाल ली क्या, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, पता नहीं भाई, बस अब तो फटाफट क्रॉस करो, भागो 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 भागो, अब यहाँ पे रुक जाओ आराम से और वेट करो। सुबह का 10 बजे का निकला हुआ, शाम के 3:30 बजे फ्री हुआ, 3:30 भी क्यों 4:15 हो चुके हैं, 3:55 चार ही बज चुके हैं। ये तो भाई मतलब शुगर करो अपन लोगों को फिर भी इतनी जल्दी फ्री हो गए, एक डॉक्टर साहब अपन लोगों को मिले नहीं, अगर वो मिल जाते हैं ना तो अपने को अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता एंड फिर उसके बाद अपने को आराम से 1-1.5 घंटा बड़े प्यार से लग जाता। बट चलो कोई ना, इन विच वेज अभी जो आप लोगों का यहाँ का काम तो एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुका है, भूख हम सभी को ही हम चारों को ही बड़ी जबरदस्त लग रही है, तो फटाफट घर चलते हैं, घर चल के देखते हैं घर वालों ने क्या बंदोबस्त कर रखा होगा खाने पीने का, क्योंकि पेट में लेजिट चूहे कूद रहे हैं, बट एट द एंड काम हो गया, इस बात की खुशी भी है। यार तुम लोग ना एक बार इन जलेबियों की शक्ल देखो, मतलब जैसी इनकी रंगत और सूरत है ना बिल्कुल वैसे ही इनका स्वाद है, मतलब जो इसमें से इलायची का फ्लेवर आ रहा है ना नेक्स्ट लेवल। और यहाँ पे चटनियाँ डल रही है साथ में, यहाँ पे गर्मा गर्म समोसे, घर आते ये देख के मन तो कर रहा है कि सारे मैं कल ही खा जाऊँ, बट ना भाई मेहमानों के लिए भी है तो छोटी प्लेटें भी निकालते हैं अपन लोग। ये रही छोटी प्लेटें, नहीं पता नहीं क्या सब्जी पड़ी हुई थी, फटाफट चलते ओए चलते खाते हैं इनको।
साला घर आते सबसे पहले तुम्हारे भाई ने गीजर ऑन करा एंड पानी अभी तक गर्म नहीं हुआ। एंड अभी जो है गेस्ट को गए को अपने को समोसा खाए को आराम से आधा पौना घंटा हो चुका है, मेरी ऐसी की तैसी फिर चुकी है। बेहतर रात के कुछ और प्लान हो सकते हैं, बाकी वो कुछ कह सकते हो कल के ब्लॉग में देखोगे। इस ब्लॉग को यहीं पे ही एंड करते हैं। तो अब ऑलमोस्ट शाम के 6 बज चुके हैं, अपन लोगों के पास दिखाने कुछ नहीं बचा, तुम लोगों के पास देखने कुछ नहीं बचा, तो इस नोट पर करते हैं आज वीडियो को एंड। होप करता हूं आज वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर फिर मिलेंगे एकदम जिन्हें एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन बाय बाय, पीस आउट, लव यू ऑल।